वहीं हरियाणा में लोकसभा के छठे चरण में कल सभी 10 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। फरीदाबाद के सभी विधानसभाओं में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। बल्लभगढ़ के एसडीएम ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए कहा कि कल होने वाले मतदान के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सभी मतदाताओं से अपील है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और ऐसे में आहुति देने के लिए तमाम जहां एक तरफ मतदाता तैयार हैं तो वहीं अब मतदान कराने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बता दें कि हरियाणा में कल वोटिंग होनी है और अगर फरीदाबाद लोकसभा की बात करें तो यहां भी तैयारी मुकम्मल करने का दावा प्रशासन की तरफ से किया गया है। अगर आज की बात करें तो आज पोलिंग पार्टी जितनी भी है उनकी रवानगी हर विधानसभा क्षेत्र से अपने अपने बूथों पर की जा रही है और आप साफ तौर से यहाँ देखेंगे तो बल्लभगढ़ विधानसभा की ये जो तैयारी है यहाँ से अब ये पोलिंग जो पार्टी है अपने अपने बूथ पर जाएंगी और आज रात उन्हें उसी अपने पोलिंग स्टेशन पर भी रुकना पड़ेगा और वहां की व्यवस्थाओं को संभालना पड़ेगा। हमारे साथ में एआरओ हैं और एसडीएम बल्लभगढ़ के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की तैयारी? देखिए, हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा में 236 बूथ है जी, और तैयारी हमारी बहुत अच्छी है क्योंकि पिछले 2 महीने से हम इसी तैयारी में ही लगे हुए हैं और तैयारी और रिहर्सल हमने इस ढंग से की। आप देख रहे हैं कि हमने 12:30 बजे हमारी सारी पार्टियां जा चुकी हैं, आपका पूरा टेंट खाली है, तो इससे ये साबित होता है कि लोग अपनी ड्यूटी के प्रति कितने संजीदा हैं, बड़े सीरियस लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे कोई एब्सेंट भी बहुत कम है, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उन्हीं को ही हमने एग्जेम्प्ट किया है। अच्छा, एक जिक्र आप कर रहे हैं कि दोपहर का वक्त हो गया और सभी पार्टियों की रवानगी कर दी गई है, तो क्या ये सीधे अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और वहीं रहेंगे? ये सीधे अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और रात को केवल महिला जो हमारी साथी हैं वही अपने घर जाएंगे और सुबह 5 बजे बूथ पे आ जाएंगे क्योंकि 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू होना है। लेकिन सर, हीट वेव का अलर्ट है और दोपहर ही पड़ रही है और ऐसे में ये वहीं उनको रुकना पड़ेगा, वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं? देखिए, हर कोई भी ऐसा पोलिंग बूथ नहीं है जिसमें पंखे वगैरह की सुविधा ना हो, सभी के अंदर हमने इंश्योर किया हुआ है, वॉशरूम से है, चाहे पीने का पानी है, और हम किसी भी तरह की इन लोगों को असुविधा नहीं होने देंगे। इवन यहाँ इनकी जो किट है उसमें जरूरत का भी सामान डाला गया है, चाहे साबुन हो, चाहे कछुआ छाप अगरबत्ती हो जो मच्छर भगाने के लिए है, और या ORS का घोल वगैरह हो, वो सब चीज वहाँ पे मौजूद। क्या मेडिकल किट भी कोई दी गई है? बिल्कुल, मेडिकल किट है, हर किट बैग की हमने अंदर डाली हुई। सर, लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में मतदाता भी आहुति देने के लिए तैयार हैं, क्या अपील करना चाहेंगे चूंकि गर्मी भी है? देखिए, हरियाणा तो वैसे ही जाना जाता है अपने जोश खरोश के लिए और यहाँ इलेक्शन को लेकर के हमेशा उत्साह रहता है, कौतूहल का वातावरण रहता है। और फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बल्लभगढ़ की विधानसभा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि ये एक महायज्ञ है, अपनी जो अपूर्व योगदान है उसको इसमें दें और इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें और अपना सभी जाकर के मतदान केंद्रों पर वोट डालें। अगर एक पोलिंग स्टेशन की बात करें तो कितनी जो टीम है, पार्टी है, वो कितने मेंबर हैं? एक पोलिंग पार्टी में 4 मेंबर हैं, लेकिन फिर भी जहां पे ज्यादा वोट है हम एक आध मेंबर और बढ़ाएंगे क्योंकि अभी आप देख रहे हैं रिजर्व के अंदर भी हमारा लगभग 100 के आसपास का स्टाफ है, तो इन सबको हम डेप्यूट करेंगे ताकि क्योंकि जितना आदमी ज्यादा रहेगा उतना थोड़ा सा पोलिंग मदद मिलेगी। एक और सवाल सर आपसे आखिरी, मतदाताओं को लेकर वोटिंग करने के लिए तो पहुंचेंगे लेकिन दोपहर कल भी ऐसा ही अलर्ट रहने वाला है धूप का, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, सारी जो आप बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं क्योंकि बिल्डिंग में कमरे हैं वहां भी बैठ सकते हैं क्योंकि ताकि सभी जो वोट डालने के बाद निकलते ही रहते, कोई ऐसा तो है नहीं वहां पे कोई खड़ा रहेगा, और धूप में खड़ा रहने की तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं क्योंकि सारे अच्छी बिल्डिंग्स हैं और कमरे हैं, भवन है। हमने तो हर बिल्डिंग के अंदर केवल ज्यादा से ज्यादा 2 कमरे लिए हैं या 3 लिए या 4 लिए हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे बल्लभगढ़ का अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इतना विशाल स्कूल है, उसमें 7 ही तो बूथ है, 7 ही कमरे हमने लगाए, बाकी तो पूरी बिल्डिंग खाली है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि देखिए मतदान के लिए अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद्र और साफ तौर से पोलिंग पार्टी हैं उनकी रवानगी कर दी गई है और जो पुरुष पोलिंग पार्टी में जो पुरुष कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो आज रात वहीं रुकेंगे और तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। इसके साथ साथ में उनकी तरफ से मतदाताओं से भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पर्व में भाग लें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।